डरना सबसे ऊपर डर ये है कि कन्हई गांव है गुड़गांव में, इस गांव में जो सेक्टर 45 कट रहा है, सेक्टर 45 के मतलब एक्सटेंशन का ट्रेनिंग रिक्वायर करनी है जस्ट 7 महीने में, उसके लिए सेक्शन 4 काट दिया 6 काट दिया, पूरी जमीन पर जो सेक्शन लगा था ना 6 लगा था मतलब 500 बिल्डिंग जो लगा था सारे काट दिया। इस मालिक ने अधिनियम संभाली को इसने ही संभाली को लोग कोई 4 कटवा गया कोई 6 कटवा गया इसका ही है चल रहा नो रिलीज होया नहीं इधर, मतलब यह सिर्फ 3000 का जमीन है जिस पर सेक्शन बच रहा है, उसका नक्शा वैसे बनाया हुआ मैं लेके आ रहा हूँ सारी फाइल आप वहाँ करोगे तो मैं मंगवा दूंगा। ये है जी जैसे युगल स्टोर वो है कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया अपना यू हो गया जी पुल इफको चौक था वजीराबाद रोड है ना उस पर सेक्टर 45 है उस तय इस साइड में आ गया जी एक लाल बत्ती है रेड बत्ती है उस पर 2 किले जाके इस साइड में शराब का ठेका होगा जी वो वायर लग रही है वो रिक्वायर को नहीं हो रही मतलब तार लग रही है उसका वायर को वो जमीन है सब कुछ मालिक है यही उसने मतलब उड्डा का गवर्नमेंट रेट में लग रहा है और यह रिलीज होने के बाद 30 करोड़ के आसपास की जमीन है 30 भी हो जाए 32 भी हो जाए 35 भी हो जाए वो तो मक्का की बात हो रहा है मतलब आइडिया वो 30-51 के चल रहा है। तो जहाँ तक की आपकी बात है सेंक्शन 6 लग रही है सेंक्शन 6 लग रही है वो आसपास का एरिया उसके चारों तरफ का अगर उन्होंने बेच लिया बिक लिया जो सिर्फ इस 3000 गज पे है सेक्शन 6 और किसी पर नहीं है। इसमें जो ऑफर है मैं बताऊं जी क्लियर अपना ना तो आगे बस ही बात कर रहा था 10 करोड़ का आपके लिए ऑफर है मगर आप ये करवा सकते हो रोमान कोई बीच में पैसे की जैसे आप कहोगे मतलब आप अपना आदमी दे देना गुड़गांव में उसके पैसे रख दीजिएगा आदमी गुड़गांव का देना पड़ेगा जी अगला ने क्लियर अखबार करना ही नहीं जी कैश रखवाएंगे बीच का आदमी में कैश रखा जाओगा अपन को नहीं देवे ना कोई बात अगले ने कहती जिम्मेवार आदमी उठ लियो तूने ना देना मेरा जिम्मेवार दूंगा आपस में पैसे रख के सेटिंग कर देंगे कैसे रखूंगा बीच में 10 करोड़ रुपए एडवांस कैश मिलेगा जी इसका प्रोवो कर लो बार सारा कुछ फाइनल है इसका फाइल दे फाइल तो आप बताओ कब लेके आनी काम हो जाएगा जी तो मतलब गारंटी होट होट लेना कोई बात कल मुझे फाइल दे दो एक बार कल तो नहीं यार कल तो नहीं आगे जी अपना फाइल तक ये गुड़गांव से मंगवा दो ना जिस वीक में आ जाओ ना अगला सोमवार दे अगर मैं पहले दे सोमवार से पहले दे मंदिर में लगा लो मतलब पहले दो फाइल तैयार करवा दे मां से फाइल तैयार थी भाई अगला भी होगा तू गारंटी दो पहले मैं गारंटी किस तरह हो दूंगी जाएगी जमीन ना अब ये क्लियर समझो ना अगला नहीं बोला गारंटी उठ के फाइल ले जा मैं गारंटी तो बनी उठता भाई मैं पूछा और मतलब पूछा फिर बाद में फाइल दे दीजिए ठीक है ना जी या मैं फाइल ले आऊंगा जी और वो आप आदमी उदमी देख लेना जिसको भी आप ठीक समझे तो ओरिजिनल आ जाएगी जी फिर ये तो मतलब फोटो स्टेट है बात करके ना वो फाइल दिखा दी हमने बात करके मैं आपसे बात कर लूंगा ठीक है जो सा नंबर दे दियो आप नंबर मारे ये पूरी जमीन है उसमें से ये हिस्सा छह कनाल के करीब बनता है 3000 गज ये हिस्सा इस ये आज तक तो कहीं गई कोई अगला मैं बताऊंगा क्लियर सी बात यही है ना अगला इतना वो चाव है कि मेरी फाइल बार बार ना जाए कि काम हो जाएगा ये बड़ी तो फाइल बनती है यही जमीन है काका बड़ी है ये बात है जो बिगाड़ी का राजस्थान बिगाड़ी कई बार फाइल रिपीट दोबारा ना वो कोई सा कोई चक्कर नहीं है इसी चक्कर में अगले मेरे तक क्लियर गया जी भाई मेरी फाइल उसके ऐसे आदमी बहुत हुए जी जो लेके चले जाओ और काम बसता होगा नहीं तो सीएम साहब ने कहा आ जाए भाई जाऊंगा अच्छी बात है ना तो जाने दे उसका काम करना नहीं होता
फाइल उसकी भर लें और बाद में और फाइल कट जाए, ये चक्कर भी बहुत होगा ना। कोई बात नहीं, तो ये लिख रखा है सेक्टर 45 का, नहीं लाओ लिख लो इसका, नहीं इसमें रिकॉर्ड इस इसमें लिखा हुआ सेक्टर नहीं लाओ लिखा हुआ है, इसमें पेन इसमें तो लिखा हुआ लगा दे इसमें है लगा रखे इस पे कंप्लीट होत लिख दे थोड़ा सब मेरे पास भी लिखा है रो ग्राउंड और कनई गांव ठीक है कने गांव पे सेक्टर 45 बन रहा है जी 3000 आराम से रखेंगे।